अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन. स्टे होम, स्टे सेफ. क्लास, इट्स आवर इंग्लिश लेक्चर, इंग्लिश बी, लेक्चर नंबर 2. क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 13. हरी अप, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 13. एंड सो पेज नंबर 30, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन द डेट एंड द डे. जैसा कि हम लोग क्लास में करते हैं सेम उसी तरह सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है. आज हम करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डू सिंगुलर प्लूरल्स. सिंगुलर कहते हैं एक चीज को, कोई भी एक चीज, सिंगल चीज, जैसे कि वन हो गया, जो ज्यादा ना हो उसे हम सिंगुलर कहते हैं. एंड प्लूरल कहते हैं टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज्यादा, टू हो जाए, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, जितनी भी ज्यादा चीजें हो जाए उन्हें हम प्लूरल कहते हैं. लेकिन कोई भी एक चीज हो, एक सिंगल चीज हो, उसे हम कहते हैं सिंगुलर. जैसे कि आई हैव अ वन मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, तो ये क्या है? सिंगुलर. ये सिंगल है, सिंगुलर है. और अगर मेरे पास टू मार्कर्स हो तो वो मार्कर्स बन जाएंगे, मार्कर नहीं होगा, मार्कर्स बन जाएंगे, यानी कि प्लूरल में एड हो जाएंगे. अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में जस्ट एस लगाया और सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल थोड़े से डिफरेंट है. आप लोग गौर से सुनिएगा और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. क्लास, फर्स्ट हमारे पास वर्ड है स्काई. अब स्काई के आगे हम एस नहीं लगाएंगे. स्काई के आगे हम एस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जब भी हमारे पास वाई आता है और वाई से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट हो, यानी कि वॉवल वर्ड ना हो. जैसा कि आप लोगों को पता है वॉवल वर्ड्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. इनके अलावा हमारे पास कोई भी अल्फाबेट हो एबीसी का तो, और आगे उसके वाई हो, तो हम उसके साथ लगाते हैं आई, ई, एस. तो ये स्काइज, स्काइज बन जाएगा, एस के वा, एस के आई, ई, एस, स्काइज. इसके आगे हम जस्ट एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वोवल वर्ड नहीं है. इसी तरह नेक्स्ट देखें, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. डोंकी, डी ओ एन के ई वाई, डोंकी. अब यहां पर डोंकी के साथ हम जस्ट एस लगाएंगे. क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास वाई से पहले वोवल वर्ड है. वाई से पहले हमारे पास क्या है? वोवल वर्ड है ई. वोवल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू. यानी कि ई हमारे पास वोवल्स में आ रहा है, इसीलिए वाई से पहले वोवल वर्ड है, सो हम इसके आगे जस्ट एस लगाएंगे. आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेनी है कि अगर हमारे पास वाई से पहले वोवल वर्ड हो तो हम उसके आगे जस्ट एस लगाएंगे, और अगर हमारे पास वाई से पहले कोई भी अल्फाबेट हो एबीसी का वोवल्स के अलावा तो हम उसके साथ आई, ई, एस लगाएंगे. ओके क्लास, नेक्स्ट देखें की, के ई वाई, की. यहां पर भी हमारे पास वाई से पहले वोवल वर्ड है, इसीलिए हमने के ई वाई एस, कीज, जस्ट उसके साथ एस लगाया है, तो क्या बन गया? की, कीज. नेक्स्ट वन है प्ले. प्ले में भी आप देख रहे हैं हमारे पास वाई से पहले वोवल वर्ड है ए, सो हमने प्ले के आगे जस्ट एस लगाया, तो क्या बन गया? प्लेस, पी एल ए वाई एस, प्लेस. नेक्स्ट है फूड. अब आप लोगों ने इस बात को भी हमेशा याद रखना है कि हम फूड को फूड्स नहीं कहते, फीट कहते हैं. जहां पर भी हमारे पास डबल ओ यूज होगा वहां पर हम डबल ओ की जगह पर डबल ई लगा देंगे, तो फूड का क्या हो जाएगा? फीट. फूड का क्या हो जाएगा? फीट, एफ डबल ई टी, फीट, एफ डबल ओ टी, फूड, एफ डबल ए टी, फीट. फुट कहते हैं पाओ को, एक पाओ को, और फीट कहते हैं दो पाओ को या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. नेक्स्ट है चाइल्ड, सी एच आई एल डी, चाइल्ड. चाइल्ड कहते हैं एक बच्चा, ठीक है. और चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन. चिल्ड्रन होते हैं बच्चे, ज्यादा, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं. चाइल्ड, चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन. चाइल्ड के आगे आपने आर एन लगा देना तो चिल्ड्रन. ओके क्लास, नेक्स्ट है टूथ. टूथ होता है एक दांत, और मैंने आपको जैसे ऊपर बताया डबल ओ की जगह पे हम डबल ई लगा देते हैं टूथ. टीथ, टी डबल ई टी एच, टीथ. सिर्फ हमने डबल ओ की जगह पर डबल ई लगाना है, टीथ. टूथ्स नहीं होता, टीथ होता है.
हम कहते हैं ना टीथ, टीथ कहते हैं ज्यादा दांतों को, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है गूस, गूस में भी आप देख रहे हैं डबल ओ आ रहा है, जी डबल ओ एस ई गूस, तो डबल ओ की जगह पे हम क्या लगा देंगे, डबल ई, गीस। गूस जो होता है वो बतख की तरह का एक डक जैसा एक परिंदा होता है, तो गूस होता है एक बतख जैसा परिंदा, और गीस होते हैं ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, जी डबल ई एस ई गीस। ऑक्स, ऑक्स कहते हैं बैल को, ऑक्स ऑक्सन ओ एक्स ई एन ऑक्सन, ऑक्स एक बैल, ऑक्सन ज्यादा सारे बैल। मैन एम एन मैन, मैन एक आदमी, एम ई एन मैन, हम मैन्स नहीं कहेंगे, मैन एम ई एन मैन, मैन ज्यादा सारे आदमी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, स्काई एस के आई ई एस स्काइज, डोंकी डी ओ एन के ई वाई एस डोंकीज, की के ई वाई ई एस कीज, प्ले पी एल ए वाई एस प्लेज, फुट एफ डबल ई टी फीट, चाइल्ड सी एच आई एल डी आर एन चिल्ड्रन, टूथ टी डबल ई टी एच टीथ, गूस जी डबल ई एस ई गीस, ऑक्स ओ एक्स ई एन ऑक्सन, मैन एम ई एन मैन। क्लास आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद आप लोगों ने इन जो बातें मैंने आप लोगों को बताई उसे अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है, और देन आप लोगों ने इसको लर्न करके इसको जुबानी लिखना है, और उसकी कोई पिक्चर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा या स्कूल के नंबर पे आप सेंड कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।